लेकिन एडमिशन के हवाले से खान साहब ने बिल्कुल इनकार किया है, और दूसरा जो गिरफ्तारियां हैं उसके हवाले से भी खान साहब ने बड़ा मौकफ क्लियर किया है कि ये जो मर्जी है कर लें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक के बाद एक खिलाड़ी हमारा वो मैदान में आएगा। और थर्ड बात खान साहब ने तोशाखाना केस के हवाले से की है, उन्होंने कहा है कि इनाम शाह, इसी को पहले लाया गया पिछले केस के अंदर और इनाम शाह को ही अप्रूवर बनाकर इसमें लाया गया है, ये इनाम शाह की हिस्ट्री क्या है। उन्होंने कहा है कि इनाम शाह जो है ये बेसिकली ऑन चौधरी का आदमी था, ऑन चौधरी जो है वो क्योंकि जहांगीर तरीन के ग्रुप को प्रमोट करता था, तो जहांगीर तरीन के ग्रुप को प्रमोट करना और शाह महमूद को साइड पर करना, ऑन चौधरी को हमने निकाला था। उसके बाद ये इनाम शाह जो है ये बनीगाला से अलग, हम यानी कि पीटीआई ऑफिस से अलग तनख्वाह लेता था और गवर्नमेंट से अलग लेता था, तो इस बुनियाद के ऊपर इसे निकाला गया कि एक तो ये तनख्वाह ले रहा है, दूसरे नंबर पर जो है ये इसका तल्लक जो है वो जहांगीर तरीन के साथ है। उन्होंने कहा कि ऑन चौधरी ने आकर इस केस के अंदर स्टेटमेंट दी और इसने आकर ये अप्रूवर बना पिछले केस में, और दोबारा तोशाखाना पार्ट टू जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो दुश्मन है वो डेफिनेटली वो कभी भी हमारे हक में तो स्टेटमेंट नहीं देगा। गवाह होता है कि कोई ऐसा बंदा जो आज़ाद हो, लेकिन जो प्लांट करके लाए गए हों, जो प्लांट करके खावर मानका को लाया गया, जो प्लांट करके ऑन चौधरी को लाया गया, जो प्लांट करके इसको लाया गया, तो ये आपके सामने मौकफ रखना चाहते थे कि ये झूठे केसेस हैं और खान साहब ने इसके अंदर क्लेरिफिकेशन क्लियर दी है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान के बारे में जो बातें की जा रही हैं कि बड़ा जनाब अंदर प्रोटोकॉल हैं, एसी हैं, उन्होंने कहा है कि वो एक हीट नुमा एक कमरा है कि जब वो बिल्कुल पंखा बंद होता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जैसे अमन है ऐसी वहाँ पर सूरत हाल हो जाती है। लेकिन खान साहब ने कहा कि मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मुझे एसी दी जाए, कभी मैंने ये नहीं किया कि मुझे ये सहूलतें दी जाएँ, लेकिन मैं इस कौम की खातिर जेल में रह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हो, हमारा मुल्क आगे जी हमारा मुल्क आगे बढ़े। और खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि इंशाल्लाह ताला ये जंग जो है कानून की बालादस्ती तक ये जारी रहेगी।